यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सोमवार को अपने 2 दिन हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इन्फ्लुएंजा वायरस पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और अभी मरीजों की संख्या भी कम है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग बढ़ाने के साथ बेड भी आरक्षित कर दिए गए। यूपी के डिप्टी ने कहा कि सरकार इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो लोग करप्शन में लिप्त हैं वही जांच एजेंसियों की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। अभी मरीजों की संख्या भी बहुत पैनिक वाली स्थिति में नहीं है। अभी सबसे बड़े अस्पताल के जीएमयू में अभी 30 से 35 मरीज हैं और सिविल बलरामपुर 20 से 25 मरीज हैं। स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बेड से आरक्षित किए हैं और दवाई कोई कमी नहीं है। पूरी सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जैसे ही बुखार के लक्षण देखें तत्काल जांच कराएं और जो भी उचित चिकित्सीय सलाह लेकर दवाइयां लें। ये उत्तराखंड से हम लोगों का बहुत पुराना घरेलू रिश्ता है और यहाँ ढेर सारे हमारे परिवार के लोग रहते हैं, उनसे हमारी भेंट भी हो रही है, साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, माता गंगा का भी स्नान आशीर्वाद हम सबको मिला है। और की बात है नहीं, गलत है। इस प्रकार की बातें वही लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं। और हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ बढ़ रही है और पहली बार ऐसा देश में है कि शुचिता, पारदर्शिता और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि माननीय मोदी जी सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द लौटेंगे।